हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवी प्रकाश त्रिपाठी, मैं आप लोगों को आपके नाइन्थ क्लास में जो आपने स्पेशल सब्जेक्ट लिया है, वोकेशनल सब्जेक्ट जो लिया है ITES, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और आपका जो ITES की जो मेन बुक है, उसमें जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं वह पूरी पाठ्यक्रम हम पढ़ेंगे। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम ITES के बारे में जानेंगे कि ITES में क्या पढ़ना है हमें, कौन कौन सी इकाइयां आपके कोर्स में दी गई हैं और उन अलग अलग इकाइयों में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जान लेंगे। पहले बात करें ITES की, तो यह एक आपके लिए नया विषय है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने कंप्यूटर के बारे में पहले पढ़ा हो, आपने अपने माध्यमिक शिक्षा में कंप्यूटर की शिक्षा भी प्राप्त की हो, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है। तो हम इस सब्जेक्ट में सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में ही बात करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कौन कौन सी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, यह सब कुछ हम शुरुआती दौर में पढ़ेंगे, जिससे कि आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकें, आपको पता हो कि हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है, जिसमें आपको 5 अलग अलग इकाइयां दी गई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के पास बुक्स होंगी। अगर आप लोगों के पास किताबें नहीं हैं, तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम आप तक जो भी बुक्स आपकी हैं उनकी PDF आप तक पहुंचा देंगे। जिन लोगों के पास किताबें हैं और उन्होंने अगर अब तक किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब से वो किताब में से भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको जो 5 इकाइयां दी गई हैं, उनमें से सबसे पहली इकाई में आपको यह बताया गया है कि ITES क्या है और ITES का उपयोग कौन कौन सी फील्ड में किया जाता है। आपकी सबसे छोटी इकाई पहली इकाई है, जिसमें सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है कि ITES क्या होता है और ITES का उपयोग अलग अलग फील्ड में कैसे किया जाता है और कौन कौन से वो अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें हम ITES का उपयोग कर सकते हैं या कर रहे हैं। दूसरी इकाई में आपको कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में पढ़ाया गया है, जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं। इस कीबोर्ड को हम एक इनपुट डिवाइस मानते हैं और कंप्यूटर में जो भी हमें एंटर करना होता है, वह सब कुछ हम कीबोर्ड की मदद से करते हैं। आपकी दूसरी इकाई में हम यह जानेंगे कि एक कीबोर्ड कैसे काम करता है, मतलब उसमें कौन कौन सी अलग अलग प्रकार के कीज अवेलेबल हैं और यह बटन्स या यह की किस किस काम में कैसे उपयोग की जाती हैं। हम जो कीबोर्ड है उसमें अलग अलग प्रकार की जो कीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अल्फा न्यूमेरिक कीज, स्पेशल कीज, स्पेस बार कीज, न्यूमेरिक कीज, ठीक है, इन सभी अलग अलग कीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमें यह आसानी हो सके और हम आसानी से कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकें। इसी के साथ हम इस इकाई में यह भी पढ़ेंगे कि एक कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम हमारी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। जब भी हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं तो उसे कहा जाता है टाइपिंग। तो इस टाइप करने की हमारी गति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बैठने से और कैसे काम करने से
हमें कम नुकसान होगा और कंप्यूटर पर सही तरीके से काम करने के लिए हमें कैसे बैठना चाहिए, यह सब कुछ हम दूसरी इकाई में पढ़ेंगे। यह भी बड़ी छोटी इकाई है। तीसरी इकाई में हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानेंगे। यह आपकी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपको इस इकाई में ही सबसे अधिक बताया गया है कि हम कैसे एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या होता है, कैसे हम उसमें अलग-अलग प्रकार के काम कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, उसमें काफी सारी चीजें आपको दी गई होती हैं जो हम कर सकते हैं। हम तीसरी इकाई में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक टूल होता है या एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिसके द्वारा हम कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो तीसरी इकाई में हम वर्ड के बारे में बात करेंगे और यह देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म में या इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन कौन सी सुविधाएं और फीचर्स अवेलेबल हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी इकाई से ही आपको यह समझ में आएगा कि हम एक कंप्यूटर पर कैसे काम करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्यूटर चलाया होगा, उस पर काम किया होगा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक कंप्यूटर पे कोई काम नहीं किया है। तो आप लोग चिंता ना करें, हम हर एक चीज को करके देखेंगे। पहले हम आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ाएंगे कि कैसे करना है, और फिर उसके बाद में यह बताया जाएगा कि यह कैसे हुआ। मतलब आपको पहले बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है, फिर दूसरे वीडियो में आपको यह करके भी बताया जाएगा। जिन लोगों के पास कंप्यूटर की सुविधा हो या लैपटॉप की सुविधा हो वो लोग घर पर करके देख सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है आप चिंता ना करें, जब आप लोगों के स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, जब आप लोग स्कूल आना शुरू करेंगे, तब आपको स्कूलों में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। तब तक के लिए हम यह उम्मीद करते हैं कि आप पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे, ताकि स्कूलों में आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ही करना पड़े। क्योंकि आपका बहुत सारा समय ऐसे ही निकल गया है, आपके 2-3 महीने जा चुके हैं, इसलिए अब आपके पास इस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा कम समय है। क्योंकि यह सब्जेक्ट आपके लिए नया है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। आपकी चौथी इकाई में हम स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट एक तरह की एक टेबल होती है। हम जब इस इकाई पर जाएंगे तब आपको स्प्रेडशीट के बारे में मैं अच्छे से पूरी तरह डिटेल में बताऊंगा। स्प्रेडशीट के बाद हम पांचवी इकाई में प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि कैसे एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, एक प्रेजेंटेशन में हम क्या-क्या उपयोग कर सकते हैं। यह सब कुछ हम पांचवी इकाई में पढ़ेंगे। आपकी आखिरी की तीनों इकाइयों को पढ़ने के पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आपकी तीनों इकाइयां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हमें पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ना होगा। तो इस तरीके से हम आपकी पांचों इकाइयां कवर कर लेंगे। शुरुआत हम पहली इकाई से करेंगे और एक-एक करके हर एक इकाई को पढ़ते जाएंगे। आप लोगों की शायद दो बुक्स हैं, हम सिर्फ पहले मेन बुक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे पूरा सहयोग देंगे। यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे दिक्कतों को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा।
लेकिन आप लोगों को इस सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होगा। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छा विषय है, यह आप सभी के लिए बहुत जरूरी है आज के समय में, इसीलिए आपको इस सब्जेक्ट से जुड़े रहना चाहिए। तो अब हम अगले वीडियो से आपका कोर्स शुरू करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।